मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार भैया सब लोगों को। आप सब लोगों को फिर से एक बार स्वागत है जन नए ब्लॉग वीडियो में। जैसो कि आप जाना तो कि खेती बाड़ी को लेकर, गांव देहात को लेकर हम कई सारे वीडियो बनाते रहते हैं। तो आज को वीडियो जो है बिल्कुल मेरे गांव देहात में, पीछे देख लो आप, कंडा लगे भैया बिठैया हैं जी, मेरे यहाँ बिठैया बोली जाते हैं, उपला धरे इनमें कंडा गोबर के। इधर देख लो पीछे बांस आँस खड़े हैं, ये पीछे बिलायती बबूल है, एक छोटो सा जामुन को पौधा है। और हम अबे खड़े हैं अपने गांव के जस्ट किनारे तालाब पे। मेरे गांव भैया एक तालाब है जाको हमने एक स्पेशल नाम दो हमने खुद, नैनीताल, मतलब ताल है भाई, नैनीताल कहते हैं। तो हम आपको दिखा दें कितो सुंदर है वो तालाब। यही सब चीज़ें गांव देहात में होते हैं, सुंदरता बढ़ाते गाँव देहात की, तालाब और पेड़ पौधे, पशु पक्षी। तो कितना सुंदर है तालाब, हम आपको दिखाई देते हैं एक बार वीडियो से। बहुत अच्छे वीडियो पूरा देखियो, मज़ा आ जाए आज के वीडियो में। एक बार आप जा देख लो, जू है मेरे गांव को तालाब, जय हमने नैनीताल को नाम दो है। चारों तरफ पेड़ पौधा खड़े हैं छोटे बड़े। और सामने भैया जो बिल्डिंग दिख रही पीली पीली, जा है मेरे स्कूल की बिल्डिंग, गाँव वालों स्कूल मतलब मेरे गाँव को, और जहाँ में हम पढ़े हुए हैं। तो भैया आप शुरू करते हैं कि मेरे गाँव को नैनीताल कैसो है। देख लो भैया जू है तालाब। अब आप कह रहे हो तालाब कहाँ यार, जू तो खेत समझ में आए, रुका है उल्लू बना। तो भैया जो तालाब है पहले देख लो, ये पानी भरो है जमें जी, और ये पूरे तालाब में एक घास, एक तरीका की मान लो जाए जलकुंभी खाद, हमारे गांव में खाद जलमंजनी। भैया जब पूरे तालाब में पहुँच चुकी है जब वक्त जलकुंभी, जलमंजनी बोला जाए, और तमाम तरीका के अलग अलग नाम से पुकारो जाते हैं अलग अलग जगह पर। भैया कितनी सुंदर है जा, आप देख लो एक बार, बहुत अच्छी है, तालाब की सुंदरता बढ़ाए दी। हालांकि तालाब के लिए ख़तरनाक है, अगर जब ज़्यादा साल तक बनी रही तो धीरे धीरे जो हरे पत्ता हैं पक्के हैं ये सड़ जाएँ, सिल्ट बन के नीचे बैठ जाए, तालाब ऐसे ख़त्म हो जाए। लेकिन पता नहीं यार पिछले साल कहाँ से गाँव के बच्चा जानवर चरान गए, बम्बा में सजाए उठाए लाए, दो चार बेल लाए थे छोटी छोटी, आज पूरे तालाब पर कब्जा कर लो। एक साल हो गई लगभग, यही दिन उन्होंने आग डाली थी, पूरे तालाब की इतनी सुंदरता बढ़ाए थी इसने, पूरे तालाब में पानी भर हुआ। सुंदरता भैया गांव में तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है ऐसी चीज़ें की, और इसके साथ साथ और चीज़ें हैं जो देख रहे, पशु पक्षियों की तमाम तरीका, पक्षियों की आवाज़ें आ रही है चारों तरफ, पक्षी रात, क्योंकि गर्मी को टाइम है, गर्मी को टाइम है तो फिर भैया पशुओं को, पक्षियों को पानी चाहिए। यहाँ आवारा पशु नीलगाय वगैरह आते हैं पानी पियन, और उस पार पर देख लो आप मोर हैं कुछ, शायद आपको दिख पा रहे हो थोड़े थोड़े। और इतना ज़्यादा कोलाहल है पक्षियों की आवाज़ें के वीडियो एकदम बहुत सुंदर हो रहे जा वजह से। बीच में खड़ी भैया बेशरम, बेशरम इस बार कमज़ोर होगी, और जा ऐसी वनस्पति है जलमंजनी कि जा जहाँ हो जाए तहाँ सब कछु ख़त्म। काफ़ी बड़ो तालाब है, तो वैसे हर साल जहाँ का मछली पकड़ी जाती, फिशिंग होती करे, एक साल से ज़्यादा है वो खाली नहीं भाई, जहाँ भैया सुन रहे बहुत बहुत बड़ी मछली हो गई हैं, जो लोग मछली पकड़ा थे बताते यार बहुत बहुत बड़ी मछली होगी जहाँ में। उधर सामने से भैया जहाँ ऊंचे ऊंचे दिख रहे बिलायती बबूल के पेड़, मन जगह ऊंची है, मन पुल बन हुए मेरे गांव के नाला पे, एक नाला वाले वीडियो आपने देखे हुए हैं, एक दर एक छोटी पुलिया वहाँ जाकर हम वीडियो बना रहा था। और पीछे भैया बरगद और पीपल के दो पेड़ खड़े हैं, जे खड़े हैं हमारे गाँव के प्राइमरी स्कूल में, और जय स्कूल में भैया हम पढ़े हैं। और मेरे गाँव को स्कूल हमारे पूरे ज़िला में और ब्लॉक में नंबर एक पे आते हो कभी, और आज ही शायद नंबर ही एक पे हुई है। अगर आपको वो वीडियो देखना है हमारे गांव के स्कूल को, तो भैया जा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो, और जब कमेंट करो वीडियो कैसे लग रहा हो, जा कमेंट करो कि हमें भैया अपने गाँव को स्कूल दिखाओ, तो हम आपको गाँव को स्कूल दिखें फुल एकदम बढ़िया, कितना अच्छा स्कूल है आप वास्तव में कहो, हाँ बढ़िया है। तो भैया जो नैनीताल को वीडियो आशा कर रहे थे आपके लिए बहुत अच्छे हो रही है ज़बरदस्त, क्योंकि हम काफ़ी दिन से प्लानिंग कर रहे थे तालाब पे एक सुबह वीडियो बनाओ जाए अच्छे से मौसम में, बहुत सुंदर हो आप लोगों के लिए वीडियो, और आप पसंद भी कर रहे हो जाए। अब आपको थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ, दूसरे कोना पे आए गए, और यहाँ से आप देखो बहुत अच्छे से दिख रहे हो, यहाँ आपको जो फूल दिखा रहे कि नहीं, मधुमक्खी है इस पर रस ले रही भैया, इधर से आप एक बार और देख लो, और इधर भैया सामने अपना गाँव है, और इधर ये बाउंड्री दिख रही, इधर बन रही पानी की टंकी, जो को एक दिन वीडियो बने
अब सब चीज़ें एक वीडियो में शामिल नहीं करी जा सकत। आज को जो वीडियो तो वो जय कुमार हमने बनाओ तो कि अपने गांव को नैनीताल हम आपको दिखाएं। हमारे गांव को नैनीताल आपको कैसे लगो भैया, जो चीज़ हमें आप कमेंट में ज़रूर बताए दियो। आशा करते हैं कि हमारे गाँव के नैनीताल को जो वीडियो आपको पसंद आओगे, अगर पसंद आओगे तो वीडियो आगे शेयर कर दो, और फिर कह रहे पसंद आओगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जब वाली वीडियो में तो ही रखा था मिला था फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक ले भैया अपना ख्याल रखो, नमस्कार, जय हिंद।